नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की बुलेटिन के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूं। दोस्तों, 29/11/2019 मंगलवार को टूर्नामेंट का 70वां वार्षिक समारोह फुटबॉल क्लब सीमानपुर एवं JYFC शंकरपुर के बीच खेला गया। इस टूर्नामेंट का नाम था बैकुंठ मेमोरियल शील्ड टूर्नामेंट का, और इसका 70वां वार्षिक समारोह आप देख सकते हैं, ये फाइनल मैच खेला जा रहा है। मुख्य अतिथि राजेश रंजन थे, विशिष्ट अतिथि निरंजन कुमार सिन्हा, सलाहकार विनय कुमार राणा, डॉक्टर प्रवीण राणा मंच संचालक की भूमिका में नागेश्वर प्रसाद राम, मनोहर कुमार सिन्हा, डॉक्टर आलोक कुमार सिन्हा, निवेदक अध्यक्ष मनोहर राम, उपाध्यक्ष गोपाल कुमार शादीपुर, सचिव विवेका शंकर विकू, उप सचिव हिमांशु कुमार सिन्हा। दोस्तों, ये जो मैच चल रहा है, मैं आपको बता दूं कि एक समय लग रहा था कि सीमानपुर और शंकरपुर के बीच का मैच टाई हो जाएगा। निर्धारित समय में दोनों टीमों ने एक एक गोल किया था, और उसके बाद जब अतिरिक्त समय दिया गया तो फिर सीमानपुर की टीम ने शंकरपुर के खिलाड़ियों को छकाते हुए गोल करके जीत हासिल की और बैकुंठ मेमोरियल शील्ड टूर्नामेंट 2019 के चैंपियन बनने का सपना जो है शंकरपुर का अधूरा सा रह गया। कहते हैं कि खेल में न किसी की जीत होती है, न किसी की हार होती है, खेल भावना सर्वोपरि होता है, और इसका सुनहरा एक उदाहरण जो है ये देखने को मिला इसी पूर्व फील्ड में। आप देख सकते हैं जिस तरीके से दोनों टीमें, मैं आपको बता दूं कि ये जो येलो कलर की ड्रेस की टीमें हैं ये सीमानपुर की, और नेवी ब्लू शंकरपुर। दोनों टीमें लगातार फाइनल में खेल रही थी, और बैकुंठ मेमोरियल शील्ड टूर्नामेंट का ये फाइनल बेहद ही रोमांचक रहा। परिणाम आखिरी में शंकरपुर के हाथों से फिसल गया, और टीमें जो जीत दर्ज की जिन्होंने फाइनल में, वो सीमानपुर की टीम थी। आप देख सकते हैं किस तरीके से मंच पे उपस्थित अतिथियों ने पूरे सभा को संबोधित किया, और प्रेजेंटेशन सिरोमनी को जो है लगातार हम दिखा रहे हैं किस तरीके से मेधावी छात्र छात्राओं को, कुर्मी समाज के मेधावी छात्र छात्राओं को यहाँ पे प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार दे के उनको जो है उनको एक तरीके से पुरस्कृत किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीरपैंती प्रखंड के दियरा क्षेत्र के सुप्रसिद्ध एकचारी दियरा में काली पूजा समारोह मनाया गया। वहां पे भक्तों की हजारों हजार की संख्या थी, सभी लोग मां काली का दर्शन कर रहे थे और उनकी पूजा और आराधना कर रहे थे। इस अवसर पे शारदा नाट्य कला परिषद की ओर से बच्चों के लिए क्विज और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से पीरपैंती में अमन शांति और पूरे देशवासियों की शांति के लिए लगातार जो है सभी लोगों ने कामना की। इस अवसर पर पीरपैंती उत्तरी मंडल के भाजपा अध्यक्ष कमेटी के सचिव श्री सितांशु कुमार जी, मुखिया प्रतिनिधि श्री अगनु मंडल, भाजपा के अनुसूचित जाति के अध्यक्ष कमेटी के कोषाध्यक्ष श्री विकास कुमार मौजूद थे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देख सकते हैं डॉक्टर दीपक जो इस वक्त पूरे पीरपैंती प्रखंड में छाए हुए हैं, हजारों हजार लोगों के लिए मसीहा बन के उभरे हैं, और ये पहुंचे हैं डॉक्टर दीपक जो है ईशीपुर काली मंदिर में। काली पूजा के अवसर पे मां काली की उन्होंने पूजा आराधना की। आप देख सकते हैं वहां पे मेला का ये दृश्य, चाट की दुकानें, और लगातार जिस तरीके से वहां पे नितेश चाट भंडार और जो भी दुकानें हमें दिखी उनको हमने शूट करने का प्रयास किया। आइए पहले सुनते हैं कि दीपक जी क्या कहते हैं। डॉक्टर दीपक कुमार नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी। इस वक्त हम आए हुए हैं बाराहाट ईशीपुर के काली मेले में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर दीपक। पिछले कुछ सप्ताह से लगातार पीरपैंती प्रखंड में, खास करके दियरा क्षेत्र में लोगों के बीच जो है काम करते करते जो है अब कुछ राहत के पल। ये बताइए डॉक्टर दीपक कि अभी जो है मेला में आप आए हुए हैं, कैसा लग रहा है यहाँ पे आकर आपको? हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि हम पहली बार आए, कल भी आए थे यहाँ पर और आज भी आए हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, भीड़ भी आज बहुत ज़्यादा है। काली मंदिर बहुत पुराना, आज़ादी के बाद से भागलपुर में बोला कि पहला है, तो बहुत अच्छा लग रहा है हमको। हम काली माँ का पूजा भी करते हैं, तो बहुत हमको अच्छा लग रहा है मेला में आए हुए हैं। आपसे हम एक चीज़ पूछना चाहेंगे, जिस तरीके से पहले लगातार जो है पिछले कुछ दिनों से आप पीरपैंती प्रखंड के दियरा में लगातार जो है एक तरीके से ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव और फिर मेडिकल कैंप, तो लगातार थकान के बाद आज किस तरीके का अनुभव आपको लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग अभी जो है ईशीपुर में जो है फुटबॉल का जो मैच हुआ फाइनल, उसमें जो है सीमानपुर जो है जीते हैं, शंकरपुर जो है उपविजेता रहे। इसके बाद हम लोग आए यहाँ से ये काली मंदिर दर्शन किए, और बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा रिलैक्स लग रहा है। आशीष जी, आप ईशीपुर बाराहाट काली मंदिर के मेले में आए हैं,
कैसा लग रहा है यहाँ पे आके, क्या देखा आपने, कितनी भव्यता, भव्यता के बारे में कैसे बताएंगे? जब हम यहाँ का आए मेला देखे तो यहाँ की भीड़ को देखकर हम काफ़ी प्रभावित हुए कि यहाँ एक यह लोक आस्था का पर्व है, हमारा देश हिंदुस्तान है। यहाँ पर हमें इस बात का गर्व होता है कि एक साथ लोग जहाँ मिलकर ईद और दीपावली, होली, ये सब एक साथ मिलकर मनाते हैं। आज देखकर यह खुशी होती है कि हिंद हमारे राष्ट्रगान में गाया गया कि हम सभी देशवासी एक हैं, हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं मिलकर भाई भाई, यह देखने को मिलता है कि यहाँ जो है एक साथ हम लोगों के बीच आज भी भाईचारे का वो संबंध दिखाई पड़ता है इस मेले में आकर के। अभिनंदन यादव जी, बाराहाट ईसीपुर के काली मेले में सर आए हैं, कैसा लग रहा है इस वक्त, क्या किस रूप में यहाँ के मेले के बारे में वर्णन करना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा लग रहा है, हर साल अच्छा लगता है, हम लोग तो बगल के हैं, बराबर अच्छा लगता है। अब बहुत ही यहाँ के जो भी सहयोगी हैं, जो भी कार्यकर्ता है, बहुत मेहनत करके इस मेले को लगाया करते हैं, बहुत अच्छा योगदान है, बहुत अच्छा हमें भी लग रहा है, हमारी पूरी टीम आई हुई है। इस मेले की भव्यता और दिव्यता के बारे में क्या बताना चाहेंगे यहाँ के दर्शकों को? देखिए, सबसे बड़ी काली मेला का बात जहाँ तक है कि काली मेला जो यहाँ जो मंदिर है, सबसे बड़ी बात यहाँ जो मंदिर का बहुत। अगली खबर की ओर, खबर आ रही है डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने छात्रों को मतदान के लिए शपथ दिलाई। आज साहेबगंज महाविद्यालय के एनसीसी व एनएसएस के छात्रों को मतदान के लिए प्रेरित किया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोकतंत्र के महापर्व में हमें भी अपनी भागीदारी निभानी चाहिए, जरूर निभानी चाहिए, और मतदान के लिए लगातार जो है लोगों को कहना भी चाहिए, लोग जितने ज़्यादा मतदान करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छा लोकतंत्र के लिए रहेगा।